एटा से जहां दो व्यक्तियों की हत्या कर पेड़ पर लटकाए गए शव मिले। कोतवाली देहान क्षेत्र के सिवांग पेट्रोल पंप के पीछे झाड़ियों में पेड़ से लटका मिला शव। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में हत्या का मामला झूठा था। मृतक राम निवास गुप्ता ने अपने ऊपर लाखों रुपए कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की रिपोर्ट गलत निकली। जिला अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की इस जघन्य घटना में चिकित्सकों ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर हत्या की पुष्टि की। कहा कि कर्ज के रुपए वापस नहीं कर पाने की वजह से आत्महत्या की। मृतक के पुत्र सचिन गुप्ता ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। दिनांक 9 अप्रैल को सिवान पेट्रोल पंप के पीछे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में श्री राम निवास गुप्ता नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। इस पर मृतक के बेटे द्वारा हत्या का अभियोग दर्ज कराया गया था। जिला चिकित्सक द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस केस में स्ट्रैंगुलेशन यानी हत्या का प्रकरण बताया गया था। स्थानीय पुलिस ने छानबीन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य पाए। हमारी फील्ड यूनिट ने एग्जामिनेशन किया था घटनास्थल, उस पर जब हम लोगों ने विश्लेषण किए स्थानीय पुलिस ने, तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए। इस पर जनपद एटा पुलिस द्वारा लखनऊ FSL की एक्सपर्ट एजेंसी, आगरा FSL की यूनिट का क्राइम सीन की पुनर्संरचना और मेडिको लीगल अभिमत प्राप्त किए गए और दोनों ही एजेंसीज के द्वारा विश्लेषण करके यह निष्कर्ष किया गया कि बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और यह सुसाइड का केस। सिवान पेट्रोल पंप के पीछे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में श्री राम निवास गुप्ता नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। इस पर मृतक के बेटे द्वारा हत्या का अभियोग दर्ज कराया गया था। जिला चिकित्सक द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस केस में स्ट्रैंगुलेशन यानी हत्या का प्रकरण बताया गया था। स्थानीय पुलिस ने छानबीन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य पाए। हमारी फील्ड यूनिट ने एग्जामिनेशन किया था घटनास्थल, उस पर जब हम लोगों ने विश्लेषण किए स्थानीय पुलिस ने, तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए। इस पर जनपद एटा पुलिस द्वारा लखनऊ FSL की एक्सपर्ट एजेंसी, आगरा FSL की यूनिट का क्राइम सीन की पुनर्संरचना और मेडिको लीगल अभिमत प्राप्त किए गए और दोनों ही एजेंसीज के द्वारा विश्लेषण करके यह निष्कर्ष किया गया कि बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और यह सुसाइड का केस है। इस प्रकार से स्थानीय पुलिस की सूझबूझ के कारण कई निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से इस केस में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट बनाई है, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? डॉक्टर, हमारी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इसमें रिपोर्ट जाएगी, शेष इस पे निर्णय संबंधित विभाग लेगा। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तैयार की, गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई, इसके लिए वो किस हद तक आपने दोषी मानते हैं? अभी इसका निर्धारण किया जाना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा, इसके लिए तकनीकी विभाग जो है वह निर्धारण करेगा। हमारे द्वारा इसमें रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। क्या इससे पहले भी इनके द्वारा कुछ ऐसे संज्ञान मामले आए जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है? उस बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इस केस विशेष के बारे में जरूर यह तथ्य निकल कर आए। तो सर, ये क्या हत्या थी या सुसाइड है? ये एक्सपर्ट एजेंसीज ने विश्लेषण करके, घटनास्थल का क्राइम सीन की पुनर्संरचना करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद इसको आत्महत्या का प्रकरण पाया है। सर, कौन से डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था? नाम को यहाँ पे उल्लिखित करना उचित नहीं होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।